वेलकम बैक. आप देख रहे हैं स्टार्टअप की दुनिया का पहला हिंदी और पॉपुलर शो आवाज एंटरप्रेन्योर. और इस हिस्से में नजर डालते हैं कौन से स्टार्टअप्स ने निवेशकों के दिल जीते, ऐसे बड़े पार्टनरशिप्स और बड़े फैसले जो स्टार्टअप्स को बना सकते हैं कल के यूनिकॉर्न. कुछ भारतीय स्टार्टअप ग्लोबल मैप पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं. अमेरिकी सीड एक्सेलरेटर वाई कॉम्बिनेटर टेक स्टार्टअप्स के कारोबार को बढ़ाने में मदद करता है और इनके 2016 के समर बैच में 3 भारतीय स्टार्टअप्स को चुना गया है. कोवर्किंग स्पेस इनोवेट, सेल्फ ड्राइव कार रेंटल एप्लीकेशन जस्ट राइड और फेसबुक और व्हाट्सएप सेलर्स के लिए बना एक खास एप्लीकेशन मीशो. 3 महीनों तक इन स्टार्टअप्स को वाई कॉम्बिनेटर ग्रूम करेगा. वाई कॉम्बिनेटर आमतौर पर 2 बैचेस में $1,20,000 का निवेश 7% इक्विटी स्टेक के साथ करता है. पुणे की रिटेल टेक स्टार्टअप शॉपिंग टाइल ने 7 करोड़ की सीरीज ए राउंड फंड्स जुटाए हैं. 3 एंजल इन्वेस्टर्स प्लग और प्ले टेक सेंटर और स्टील हेड वेंचर्स ने कंपनी में निवेश किया है. प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रिटेलर्स को जोड़ने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा. साथ ही ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर भी कंपनी फोकस बढ़ाना चाहती है. कंपनी रिटेलर्स और ब्रांड्स को ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से जोड़ते हुए सेल्स बढ़ाने में मदद करती है. ऑफलाइन प्लेयर्स को डिजिटल और मोबाइल एक्सपीरियंसेस के जरिए ग्लोबल रिटेल सिस्टम से कनेक्ट भी करती है. होम अप्लायंसेस और फर्नीचर रेंटल मार्केटप्लेस रेंटो मोजो ने 33.5 करोड़ की फंडिंग जुटाई है. सीरीज ए राउंड में कंपनी के पुराने निवेशक एसएल पार्टनर्स और आईडीजी वेंचर्स ने हिस्सा लिया है. कंपनी ने पिछले साल प्री सीरीज ए राउंड में एसएल और आईडीजी से $2 मिलियन फंड जुटाए थे. कंपनी ग्राहकों को फर्नीचर, होम फर्निशिंग और अप्लायंसेस किराए पर देती है. बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली एनसीआर और पुणे में अपनी पहुंच बना चुकी है. कंपनी के प्लेटफॉर्म पे 4,500 सब्सक्राइबर्स हैं, जिसे 1.5 लाख तक ले जाने की फाउंडर्स की कोशिश रहेगी. गुड़गांव का फूड डिलीवरी स्टार्टअप क्विगली ने $6 लाख जुटाए हैं. इस राउंड में ट्रैक्स एंड लैब्स, हैदराबाद एंजल्स, फ्री चार्ज के कुणाल शाह, मकान.com के आदित्य वर्मा, गौरव भलोटिया जैसे निवेशक शामिल हैं. स्टार्टअप इस फंड का इस्तेमाल मार्केटिंग और दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहरों में विस्तार करने के लिए करेगी. होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म findmystay.com ने इंडियन एंजल नेटवर्क के ऋषि पारती और योगेश बंसल से प्री सीरीज ए फंडिंग जुटाई है. कंपनी इस फंड का इस्तेमाल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ब्रांड बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी पर करेगी. 2013 में शुरू हुए इस प्लेटफॉर्म पे ग्राहकों के लिए रिवर्स बिडिंग का विकल्प है. ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज के मुकाबले ये प्लेटफॉर्म 25% कॉस्ट इफेक्टिव होने का कंपनी का दावा है. कंपनी का ललित ग्रुप, द पार्क, प्राइड ग्रुप, जिंजर होटल्स, ओयो और HHI जैसे पार्टनर्स के साथ करार है, जिससे 35 शहरों के 2000 होटल्स फाइंड माई स्टे के प्लेटफॉर्म पर शामिल है. अगले 1.5 से 2 सालों में पहुंच को दोगुना करने पर कंपनी फोकस बनाए हुए है. सिलिकॉन वैली बेस्ड स्टार्टअप एक्सीलरेटर और अर्ली स्टेज वीसी फंड 500 स्टार्टअप्स ने दिल्ली के एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्म ट्रांसवेव एजुकेशनल सर्विसेज में निवेश किया है. सीरीज ए फंडिंग राउंड में $200 मिलियन का सीड फंड कंपनी ने जुटाया है और ट्रांसवेव अलग अलग 5 वेबसाइट्स आस्क आईआईटीएंस, ई मेडिका प्रेप, ट्रांस ट्यूटर्स, ट्रांस वेब ट्यूटर्स और माई कॉलेजेस अब्रॉड के जरिए ऑनलाइन ट्यूटोरियल सर्विसेज मुहैया करती है. कंपनी फंड्स का इस्तेमाल होमवर्क करने में मदद करने वाली क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट वेबसाइट ट्रांस ट्यूटर्स की मार्केटिंग के लिए करेगी. इसी के साथ वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का. आज का ये शो कैसा लगा ये हमें आप जरूर बताएं. फेसबुक हाजिर है, जहां पर आप अपने फीडबैक को पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कीजिए ae@network18online.com पर. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नए बिजनेस आइडियाज और खबरों के साथ. नमस्कार एंड टेक केयर. आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर. आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी आपके सामने रख रहे हैं जो छोटी शुरुआत, तगड़ा स्ट्रगल और धीरे धीरे कामयाबी का शिखर हासिल करने वाला एक आम आदमी था, लेकिन इनकी मेहनत ने इन्हें बनाया है खास. जब एंटरप्रेन्योर जैसा शब्द भारत में इस्तेमाल नहीं होता था और न ही फैशनेबल माना जाता था, नरेंद्र बंसल उस पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर हैं. 53 साल के बंसल ने इंटेक्स टेक्नोलॉजीज 3 दशक पहले शुरू की, लेकिन उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं था कि वो क्या कारोबार करेंगे या फिर क्या बेचेंगे इंटेक्स ब्रांड के चलते. आज एक्टर फरहान अख्तर इंटेक्स स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर है. इतना ही नहीं, नरेंद्र बंसल ने हाल ही में गुजरात की आईपीएल टीम भी खरीदी है. ये कहानी है भारत के फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर नरेंद्र बंसल की.
मैं नरेंद्र बंसल, इंटेक्स टेक्नोलॉजीज इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। 30 साल पहले जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकले तो कटनी के लिए परिवार का अनाज एक्सपोर्ट का बिजनेस था, लेकिन नरेंद्र के इरादे कुछ और ही थे। कुछ अलग करने की चाह में 11 साल निकले, कई बिजनेस किए, फिर बात नहीं बनी, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स तो कभी कुछ और। हाँ, हर काम में एक विजनरी की छाप जरूर छोड़ी। लोग जनरली ये कहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसे यार, कोई काम बताओ, मैं ये माल मंगा लूँ, ये माल बना लूँ, ये फैक्ट्री डाल लूँ। और मेरा बचपन से यह रहा कि सब कुछ ठीक है, बेचोगे किसको? सो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ग्राहक है कि नहीं है। तो मैं उस वक्त भी जब स्कूल में था ये देखता था या समझता था लोगों से जब मैं मिलता था जनरली कि यार किस आदमी को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आपको उस वक्त उस चीज़ को अगर आप बेहतर तरीके से और बेहतर प्राइस में दे सको तो वो आपसे ले लेगा, है ना। तो उस टाइम तो मैं ध्यान होगा कि ऑडियो कैसेट चलती थी पहले, अपने एचएमवी की हुआ करती थी सारे गामा की, विच यूज वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी। फिर लोकल ब्रांड आने शुरू हो गए, तो जब मैंने देखा कि बाजार में डिमांड बहुत है ऑडियो कैसेट की हमारे सर्कल में, और वीडियो कैसेट रेंट पे चलते थे, है ना, तो मैंने उस वक्त वहां पे अच्छी जगह से लेटेस्ट वीडियो कैसेट रेंट पे कहाँ मिलती हैं और ऑडियो कैसेट कहाँ मिलती हैं, और एक ब्लैंक कैसेट बहुत चलती थी उस टाइम, लोग रिकॉर्ड करके उसको अपने पसंद के गाना भरते थे, मैक्सल की हुआ करती थी, सोनी की, टीडी के हुआ करता था एक ब्रांड, तो वो मैंने सप्लाई ढूंढी उनकी और वो फिर मैं अपने दोस्तों में या अपने परिवार में देना शुरू कर दिया। नरेंद्र हर नए बिजनेस की शुरुआत पूरे जोर शोर के साथ करते थे, लेकिन जब वो बिजनेस अच्छा नहीं करता था तो उसे बंद करने में देर भी नहीं लगाते थे। लेकिन 11 साल तक कुछ करने के दौरान नरेंद्र आईटी सेक्टर की बारीकियों को समझने लगे थे और उन्हें ये भी समझ आ गया था कि इसी में लंबी रेस की सबसे ज्यादा उम्मीद है। इसी विचार के साथ शुरुआत हुई इंटेक्स टेक्नोलॉजी की। हालांकि शुरुआत में नरेंद्र भी नहीं जानते थे कि वो बेचेंगे क्या। 20,000 रुपए में नरेंद्र ने इंटेक्स की शुरुआत की और उनका साथ देने के लिए ऑफिस में था सिर्फ एक कर्मचारी। उस वक्त देश में कंप्यूटर का मार्केट जोर पकड़ रहा था। नरेंद्र की नज़र पड़ी कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटरनेट कार्ड्स पर, जिनकी डिमांड देश में बढ़ रही थी। नरेंद्र को यही मौका दिखा और 1996 से 97 में इंटेक्स ब्रांड के तहत इंटरनेट कार्ड्स बिकना शुरू हुए। कंपनी बना दी, करें क्या, काम तो पता नहीं था क्या करना है, आईटी का करना ये तो पता था बट क्या करना ये नहीं पता था। तो अगेन जब मैं नेहरू प्लेस गया तो देखा एक इथरनेट कार्ड करके एक आइटम था जो नेटवर्किंग में काम आता था। वहां पे दुकानदार के पास लोग बैठे रहते थे एक दो दो घंटा माल लेने के लिए, तो वो कहता माल नहीं है। तो जब मैंने इसके वही डिमांड एंड सप्लाई का गैप, मोनोपोलिस्टिक मार्केट हुआ करता था, और वहीं मैंने फिर इसकी सप्लाई ढूंढी। फिर मैं ताइवान गया, ताइवान में सप्लायर से बात करी, फिर पैसे नहीं है। तो मैंने सप्लायरों का भी, इंडिया में डिमांड बहुत ज्यादा है तो मेरे को इंडिया पहुंचते में तेरे 15 दिन में पैसा करवा दो, तो लेकिन डिमांड थी तो सही लेकिन उस पर्टिकुलर ब्रांड की थी, हमारी की नहीं थी। तो हमें फिर यहां टाइम लगा लोगों को समझाने में, लोग आपके ब्रांड पे विश्वास नहीं करते हैं। फिर ज्यादातर मैं नीचे से उठा हुआ तो अचानक तेरा ब्रांड कहां से आ गया भाई, वो एक इश्यू आता है। फिर इसको ये नहीं पता कामयाब हुई ना तो कल उठ के भाग गया तो इसकी वारंटी कौन देगा, है ना। तो ये चैलेंज। फिर एक और भी इससे बड़ा चैलेंज था कि मैंने जब एक कंपनी बनाई तो पहला नियम बनाया कि मैं कोई भी काम बिना बिल के नहीं करूंगा, और जबकि उस वक्त बिना बिल का काम 20 साल पहले बहुत ज्यादा होता था, है ना। तो उस पर भी लोग हंसते थे कि ये नया खिलाड़ी है, कि मैं ब्रांड बनाऊंगा, प्रोडक्ट का इसको मालूम नहीं है, टेक्नोलॉजी इसको मालूम नहीं है, और कहता मैं बिल से करूं और चेक लूंगा, चेक पेमेंट, है ना। तो ये सब चैलेंजेस थे, बट मैंने कहा कि अगर मैं अपने आप से कन्विंस्ड हूं और मैं अपने आप से श्योर हूं कि मुझे ये काम करना है और इसी तरीके से करना है, तो फिर लोग धीरे धीरे जब उनको विश्वास होने लग गया, देखने लग गए, मैंने उनको सैंपल देना शुरू किया, मैं कहा चलो ट्राई करो आप। जब ये सब हुआ तो धीरे धीरे उनको विश्वास होने लगा और एक्सेप्टेंस शुरू। पहले साल में इंटेक्स ने करीब 1.25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। बिजनेस के लिहाज से रकम ज्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन नरेंद्र को उत्साहित करने के लिए काफी थी। इसके बाद नरेंद्र ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज इंटेक्स कंप्यूटर एक्सेसरीज, स्पीकर, मोबाइल फोन और वॉशिंग मशीन समेत 16 इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी ने भारत में 2004 में पहली फैसिलिटी शुरू की और आज इसके देश भर में 5 फैसिलिटी सेंटर्स हैं। नरेंद्र बंसल को बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्पॉट करना बखूबी आता है और साथ में आता है अपने कस्टमर की नब्ज पहचानना। यही कारण है कि आज इंटेक्स 30 शहरों में मौजूद है। साथ ही कंपनी ने हाल ही में बाहरी देशों में अपने मोबाइल फोन को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है।
आज इंटेक्स स्पेन, श्रीलंका और वियतनाम जैसे देशों में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करती है। विदेशी बाजारों में इंटेक्स के फोन की मांग के पीछे है प्रोडक्ट की बढ़िया क्वालिटी। इंटेक्स के सभी प्रोडक्ट्स अलग अलग तरीके के टेस्ट से गुजरते हुए ग्राहकों तक पहुंचते हैं। हालांकि मोबाइल फोन बेचने का ये सफर इतना आसान नहीं था। 2007 में जब इंटेक्स ने मोबाइल फोन बेचना शुरू किया था तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं था। पहले साल में कंपनी सिर्फ 29,000 हैंडसेट ही बेच पाई थी। बिक्री को बढ़ाना बंसल के लिए एक बड़ी चुनौती थी। काफी सोच विचार के बाद बंसल ने पहले तो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदली, फोन में भी कुछ नए फीचर्स जोड़े और कीमत को और आकर्षक बनाया गया। नतीजा, एक ही साल में बिक्री 3 गुना बढ़ गई और छोटे शहरों से भी अच्छी डिमांड मिलने लगी। आज इंटेक्स के फोन की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि IDC के मुताबिक इंटेक्स भारत का सबसे बड़ा हैंडसेट ब्रांड है। कंपनी भी अपने ब्रांड को और बड़ा बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। इंटेक्स ब्रांड डोमिनेशन की रेस में जुटा है। 2015 के अंत में कंपनी ने 10 करोड़ रुपए में राजकोट IPL टीम 2 सालों के लिए खरीदी। इस मूव से कंपनी को मच नीडेड ब्रांड विजिबिलिटी मिली, जो कि काफी समय से गायब थी। अब इंटेक्स भारत की सैमसंग बनना चाहती है। कंपनी मोबाइल इकोसिस्टम को और दुरुस्त करने की दिशा में काम करने जा रही है। साथ ही मोबाइल वॉलेट लॉन्च करने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। यही नहीं, कंपनी अपना विस्तार करने के मकसद से इस कारोबारी साल के अंत तक IPO लाने पर भी विचार कर रही है। ईशा शर्मा, दिल्ली। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे आवाज एंटरप्रेन्योर में जारी रहेगा स्टार्टअप वर्ल्ड की खबरों का सिलसिला। हेलो एंड वेलकम, मैं हर्षदा सावंत आपके लिए लेकर आई हूं स्टार्टअप की दुनिया की लेटेस्ट अपडेट्स और कुछ इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज आपके पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर में। अक्सर हम स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप भी अपने कारोबार को शुरू करने की ओर पहला कदम उठाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक नई पहल की। सिलिकॉन वैली हमेशा से इनोवेशन और रिस्क लेकर कुछ अलग करने के मामले में 2 कदम आगे रही है। शायद यही वजह है कि विश्व भर के स्टार्टअप्स ने हमेशा सिलिकॉन वैली से प्रेरणा ली है, चाहे वो बिजनेस मॉडल हो, पॉलिसी हो या फिर फंडिंग के रास्ते। और इसी तर्ज पर अब इन्फोसिस के कोफाउंडर क्रिस गोपालकृष्णन ने लॉन्च किया है एक नया कॉन्सेप्ट गैराज, जिसका लक्ष्य है सिलिकॉन वैली की तरह वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट और एंटरप्रेन्योर खड़े करने का। सिलिकॉन वैली से प्रेरणा लेकर भारत में हमने देखा है एक बहुत बढ़िया इकोसिस्टम तैयार हुआ है और सिलिकॉन वैली की तर्ज पर ही गैराज से काम करने की यहां पर भी एक थोड़ी सी पहल शुरू हो रही है। जेट लैब्स, जो जेट सिंथेसिस का इंक्यूबेशन आर्म है, उन्होंने इनफैक्ट ये शुरू किया है और हमारे साथ इसी स्पेस के बारे में बात करने के लिए, जिसे आप गैराज कहते हैं, राजन नवानी है जो कंपनी के MD है और साथ ही जेट सिंथेसिस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मिस्टर क्रिस गोपालकृष्णन, आप दोनों का स्वागत है। कंग्रेचुलेशन, एक बहुत बढ़िया स्पेस है। क्रिस, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आप एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जो सिलिकॉन वैली से सीधा उठाया गया है। कितनी बड़ी जरूरत आपको लग रही है कि भारत में हम हर दूसरे दिन देख रहे हैं बहुत बढ़िया कोवर्किंग स्पेस खड़ी हो रही है, खुल रही है, कितनी इम्पोर्टेंट है ये? इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट बिकॉज दैट्स वॉट स्टिम्युलेट्स पीपल, दैट्स वॉट पुशस ईच अदर, यू हैव टू पुश ईच अदर, दैट्स वॉट brings out the creativity. And of course, we need to speed up that process of the business becoming successful. A co-working space allows us to do that in a concentrated manner. Mm-hmm. So we need actually, you know, you said we are copying Silicon Valley, but I'm thinking, yes, we will learn from them, but we need to probably take it further. We need to create our own model and we have to try different models in order to get there. Okay, so is model ki khasiyat, Rajan, kya rahegi? देखिए, ये जो मॉडल है इसमें 3 अलग तरह के इकोसिस्टम्स बसेंगे। एक तो जो स्टार्टअप्स जो जेट लैब्स ने इंक्यूबेट किए हुए हैं, जो हर एक एरिया में जिनकी खासियत इंडिया पे ज्यादा करके फोकस्ड की गई है। दूसरी बात, बहुत से इंडिया में ट्रेडिशनल कंपनीज हैं जिनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत जरूरत है। सो यू नो, बहुत से समय ये जब लार्ज कंपनीज होती हैं, दे आर इनेबल टू डू दैट विद इन देयर इकोसिस्टम। सो वी आर सीइंग हाउ लार्ज ट्रेडिशनल बिजनेसेस इज
digital transformation can be co-created in this space. And the third unique thing is we are also signed up with some very large internet established companies. So, फिर वो जो ecosystem जो बनेगा और उसके संग जो भी हमारे mentoring जो होगी, उसके संग जो VC capital की जो ज़रूरत होंगे, पिछले ही हफ्ते हमारे अमेरिका से from Silicon Valley we had a product designer who had worked 3 years at Yahoo to come and talk to all our startups and spend 1 week in a workshop. अभी उनके साथ Skype calls connect होते हैं और वो प्रोडक्ट की गाइडेंस देते हैं. तो किस प्रकार से हम भारत में वर्ल्ड क्लास की जो प्रोडक्ट की जो गैप जो है उसको सुधार के एक्चुअली वो इकोसिस्टम तैयार कर सकें, आई थिंक वो गैराज का लार्जर पार्ट है. हाल फिलहाल में भारतीय इकोसिस्टम को लेकर ये लोग कहने लगे हैं कि शायद इंडिया एक थोड़े से स्लो डाउन की तरफ टिल्ट हो रहा है. क्या आपको वाकई में वो लगता है या फिर इतनी सारी आइडियाज हैं, बड़ी डील्स शायद ना हो रही हों लेकिन नए आइडियाज डेफिनेटली जन्म ले रहे हैं? एक्जैक्टली, यू नो, there is no dearth of ideas, there is no dearth of passionate entrepreneurs. The global economy is slowed down, and because of that, you know, the sentiment around business, the sentiment around investment has slowed down, you know, exits have come down. So this is part of a global phenomenon, this is not unique to India. But whenever I meet an entrepreneur, they are very passionate and they want to create something that will explode clearly. तो किन एरियाज में आपको इंटरेस्ट है? क्योंकि मैं देख रही थी 2016 का जो फर्स्ट हाफ है उसमें इनफैक्ट यू बीन द वन जिन्होंने $2 million तक का निवेश किया है इस तरह के एनवायरमेंट में जहां पर सब लोग सो कॉल्ड स्लो डाउन की बात कर रहे हैं. किस तरह के बिजनेसेस को इस समय आप बैक करने को तैयार हैं? पर्सनली आई एम बैकिंग ऑफकोर्स द डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज. And over and above that, looking at healthcare, I've been passionate about healthcare. And the third area is in education. And with Jet Synthesis, we are adding to that the whole space of entertainment, gaming, fintech, and things like that. Is it the right time ki government bhi initiative le? Kyunki SIB bhi of course zyada se zyada paisa dene ke liye taiyar hai aur ye badlav aaya hai pichle 1.5 saal mein hi, usse pehle itna interest nahi dekhne ko milta tha. Is it essential ki sarkari haath hona chahiye in entrepreneurs par? Definitely, of course, you know, government has the role to set the policies right, ease of doing business and things like that. But over and above that, the earlier the idea is, the startup is, the risk is higher. So sometimes a small grant from the government to create a prototype, especially when it comes to hardware, especially when it comes to manufacturing, or taking an idea from an R&D lab to create a prototype so that a business can be created. So there is a need and there is a place for government to put in small investments very early on, not when the business has been created, because at that point probably angel investors, VCs will come. So even before that, I think it's very useful for government to play a role there. Garaj mein aap kis tarah ke ideas ko actually incubate karenge, unko grow karne mein madad karenge, aur sath hi jo aap nivesh karte hain Jet Labs ke zariye, kis tarah ka ticket size hota hai? So as of now, you know, hamare already Jet Labs ke under 6 आइडियाज ऑलरेडी इंक्यूबेट हो चुके हैं. सो अगर आप देखेंगे कि अल्टीमेटली जो जेट सिंथेसिस का गोल है इज हाउ डू वी प्ले एन एक्टिव रोल इन द डेली लाइफ ऑफ डिजिटल लाइफ ऑफ 1.3 बिलियन इंडियंस. यू नो, वी हैव 1 बिलियन स्मार्टफोन्स एंड एवरीबडी इज मच्योरिंग दैट. हाउ डू वी क्रिएट मेथड्स बाय वे ऑफ विच यू नो यू प्ले अ स्मॉल रोल बट few minutes but every day in person's life, and we have all themes around a lot of those which are incubated within Jet Labs. Kyunki slowdown ki kafi charcha hui hai aur kafi startups perturbed hain, especially jo log fund raise karna chah rahe the wo baith gaye hain. Kuch log abhi bhi talash mein hai ki kaise fund raise kiya jaye, kaise business ko scale kiya jaye. Ye silsila aapko lag raha hai ki kab tak chalega? Kya ye times kuch zyada samay aur pareshan karenge entrepreneurs ko? It's very difficult today to say how long this is going to last, unfortunately, because the uncertainty is actually increasing. You know, it's rather unfortunate. But my own feeling is, based on experience to date, these cycles don't last more than a year or two. And then, you know, people get accustomed and then growth starts coming back again. Having said that, India is actually a
better place to be in, because this is the economy that's growing at 7.5%, 8%. It's the fastest growing large economy in the world today. So yes, there is a slowdown in funding, because 80% of the funding that comes into the Indian ecosystem is outside funding, unfortunately. So we want more India-based funds, more of our own, let's say, well-to-do people, high net worth individuals, start becoming angel investors. I also believe that, you know, if it's possible for small and medium enterprises to even mentor and help people create new businesses, I think we will have a very robust ecosystem in India, which will be sort of, let's say, insulated from happenings outside India. Unfortunately, we are not insulated right now, because bulk of the funding comes from outside. I think that needs to change. And uske liye, I guess, aap jaise log, sarkar jis tarah ke kadam utha rahi hai, the tide will change. Yes, I agree. I am very confident that it will change. Okay. Bahut bahut dhanyawad and congratulations on this beautiful venture. Shukriya humse baat karne ke liye. वक्त हो रहा है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे आपके सामने पेश करेंगे भारतीय एंटरप्रेन्योरशिप की एक मिसाल।